तो आइए दोस्तों, आज हम आपको हमारा जो रिपर है जो कि वीडर पे पीछे अटैच करके चलाया जाता है, उसके जो है असेंबलिंग की वीडियो बनाने जा रहे हैं आज हम। इसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें कैसे कैसे इसके सभी पार्ट्स को जोड़ा जाएगा, एक एक करके हम इसको जोड़ते हैं। तो आइए अब हम इसको असेंबलिंग करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे ये जो रिपर में लगने वाली ये पॉइंट, इसमें जो है दो होल दिए गए हैं। इस होल में मैच कराने, इस होल को इन दोनों बोल्टों से मैच कराना है, और इसमें एक होल दिया गया है जो कि इस पिन में फिक्स करना है। बोल्ट में हम वार्सल डालेंगे, इस प्रकार से वार्सल डालने के बाद हम इसमें नट लगाएंगे। इसी प्रकार से जैसे हमने पहले पार्ट लगाया, सेम उसी प्रकार से हम इस पार्ट्स को लगाएंगे। हमें वार्सल लगा के नट से टाइट करेंगे। इसी प्रकार से हमें सभी बोल्ट जो हैं सब इस प्रकार से डाल लेने हैं, और इसमें हम लास्ट जो है इस पार्ट को लगाएंगे। सबसे पहले इस स्टड में हमने इस प्लेट को डाल देना है इस प्रकार से, और इसको इस प्रकार से जो है इसका बड़ा हिस्सा जो रहेगा वो नीचे की तरफ जाएगा। इसको डालने के बाद हम इसमें जो है ये जो आपकी है स्टिक्स, इसको लगाएंगे। इसको हम इस प्रकार से नीचे की तरफ लगाएंगे, इस बोर्ड में फिक्स करने के बाद हमें जो है इस प्रकार से हम वार्सल लगाएंगे। वार्सल लगाने के बाद हम इसमें नट कस देंगे। नट लगाने के बाद हम इसमें जो है ये जो पंखा है इसको लगाएंगे। इसको लगाने के बाद हमें ये जो ऊपर की प्लेट है इसको लगाएंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार से हम इसका जो है नेक्स्ट जो है पार्ट लगा लेंगे। सेम वही प्रोसीजर रहेगा, इसको इसमें डाल के इस पर फिक्स करेंगे। नीचे इसमें स्टिक लगा देंगे। वार्स लगा के नट कस देंगे। अब हम ये जो होल है इसमें भी एक हमारी ये जो है लगाएंगे, और इसमें बोल्ट लगाएंगे। बोल्ट लगाने के बाद हम इसमें जो है वार्स लगाएंगे और नट लगा के टाइट कस देंगे। नट को हम कस देंगे इस प्रकार से। अब हम इसमें भी एक ये फिंस लगाएंगे उनका।
अब हम इस पे जो है ये जो आगे के कवर हैं पंखे के ऊपर लगेंगे, सबसे पहले हम इनको लगाएंगे इस तरह से, इस पर लगा हुआ इस प्रकार से। इस प्रकार से लगाने के बाद हम जो है इसमें एक वार्सल डालेंगे, वार्सल लगा के ऊपर नट से कस देंगे। दूसरे को लगाएंगे, इसी प्रकार से तीसरे को लगाएंगे। तीनों को हम स्पिनर की सहायता से कस लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये आखिरी जो प्लेट लगी हुई है इसमें जो दो होल दिए हुए हैं, इस होल को आपको रिपर की जो ऊपर की ये जो प्लेट लगे हैं इसमें दो होल हैं, इससे मिला के आपको इसमें नट बोल्ट लगाने हैं। जो है प्लेट के आगे के कवर लगाएंगे सबसे इस प्रकार से, इसमें एक हम बोल्ट डालेंगे इस होल में। बोल्ट डालने के बाद हम जो है नीचे से नट लगा लेंगे। इसी प्रकार से हम इसके दूसरे भाग को लगाएंगे। हमें जो है इस पॉइंटर को लगाना है, इसमें पॉइंटर को लगाने के लिए पॉइंटर में हो जो है बोल्ट डालना है और इसको इस प्रकार लगाना है। इस प्रकार से लगाने के बाद नीचे से जो है नट से हम कस देंगे। ये जो है पॉइंटर का काम करता है। जो है ये ब्रैकेट है पीछे की जो कि आपके वीडर में लगेगी, इसको हम इस मशीन में आप फिक्स कर देते हैं। के ऊपर के बोर्ड लगाने के बाद जो नीचे जो होल दिए गए हैं इसमें जो है आपको रिपर की एडजस्टमेंट्स के लिए जो रॉड दी गई है इसको लगाएंगे। एडजस्टमेंट स्टोर दी गई हैं, इनके जो दूसरे सिरे रहेंगे वो आपके वीडर का जो गियर बॉक्स है उसके नीचे जो बोल्ट लगे होंगे वहाँ जो है इसको होल को मैच करके इसको फिक्स कर देना है। आप मेरे हाथ में ये देख रहे हैं गियर लीवर है, ये जो हमारा लीवर है जो हमारी रिपर की जो कटर बार है उसको चलाने के लिए का काम करेगा, जो कि हमारे जिसका जो हैंडल है ये जो भाग है ये आपके वीडर के हैंडल में लग जाएगा। और जो ये वायर है, ये जो हमारी वायर है ये हमने इसके जो गियर बॉक्स में ये जो शाफ्ट लगी है इसमें फिक्स करेंगे। तो इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले जो है ये जो चूड़ी बनी हुई है इसमें भाग में, इस चूड़ी वाले भाग में हम इस होल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें डालेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से डालने के बाद हम जो है इस नट को इस पर कस देंगे ताकि ये निकले नहीं बाहर। और ये जो दूसरा भाग है इसको हम इस होल से होल में लाके इसमें जो है पिन लगाएंगे। ये पिन डालेंगे, पिन डालने के बाद इस पिन की सहायता से हम इस पिन को लॉक कर देंगे। अब आप ये देख रहे हैं ये जो हमारा जो रिपर का जो गियर बॉक्स का ऊपर का कवर जो कवर है इसको हम फिक्स करेंगे। इसको फिक्स करने के लिए इसमें जो कट बने हुए हैं इनको इस होल से मैच करके इसमें जो है नट लगाने हैं।
तो अब हमने जो है रिपर को सभी पार्ट्स को लगा लिया है, जो हमारी रिपर है जो है कम्प्लीट असेंबल हो चुकी है। अब हमें इसमें जो है कुछ एडजस्टमेंट है, और जो गेयर इसमें गेयर बॉक्स है इसके अंदर हमें जो है ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा जो गेयर बॉक्स है, इस गेयर बॉक्स के अंदर जो है हमें 1 kg जो है ग्रीस जेली डाल के इसमें डालना है। पोर्टो को खोल के ऊपर से प्लेट को हटा के आपको इसमें जो है ग्रीस जेली जो है इसमें डाल देनी है। कि आपको कुछ कई बार जो है चलते चलते आपकी अगर चेन जो है ढीली हो जाए तो उसकी एडजस्टमेंट करें आप यहाँ से कर सकते हैं, इसको टाइट कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये देख रहे हैं ये जो बोल्ट है आपको टाइट करते हैं, जैसे आपको और लूज टाइट करनी है तो इसको आप लूज करके जो है पीछे कर सकते हैं इसको, और जितनी आपको एडजस्टमेंट चाहिए आप अपने अनुसार उसको चेन को टाइट या लूज कर सकते हैं। ये जो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे आपको जो है ग्रीसिंग के लिए पॉइंट दिया गया है, आपको यहाँ पे ग्रीस करनी है, 4th-5th दिन आपको यहाँ पे ग्रीस करनी है। जैसे कि देखा आपने हमने जो है इस रिपर को जो है कम्प्लीटली असेंबल कर लिया है। अब इस रिपर को असेंबल करने के बाद अब हम आपको जो है हमारे इस रिपर को जो है हमारे जो ये मॉडल आप देख रहे हैं 7.5 HP प्रीमियम मॉडल, इसमें हम आपको इसको लगा के और चला के दिखाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम सबसे पहले जो है इसके फेंडर्स हटा लेंगे, जो भी इसके पार्ट है पीछे रिपर को लगाने के लिए हटाने हैं इसको हम हटाएंगे सबसे पहले। तो जैसे कि हम इसके फेंडर्स हटाएंगे, अब हम इसके इस भाग को हटाएंगे, इसके इस भाग को हटा देंगे, पूरे को हटाना होगा हमें यहाँ अगर रिपर फिट करना है तो हमें तीनों बोल्टों को एक करके खोल देना है। कि हमें रिपर का जो हैंडल है ये जो ऊपर का हैंडल है वीडर का ये हमें उठा के आपके इस साइड में लाइट की तरफ को घुमाना है। इसके लिए हमें क्या है इस बोल्ट और नट को खोलना है, इसको अब हम इसको जो है आगे की तरफ घुमा देंगे। और जो है इसको वापस इसी में फिक्स करेंगे, जो हमारा ये जो बोल्ट है अब उस तरफ से ना आके इस तरफ से आएगा। हैंडल चेंज करने के बाद हैंडल की डायरेक्शन, उसके बाद जो हम ये जो पीटीओ है पीटीओ का जो कवर है इसको खोल लेंगे, नट खोल के ये जो कैप है पीटीओ के ऊपर की इसको हम निकाल लेंगे इस प्रकार, और हम इसके नट खोल लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं जो शाफ्ट निकली है इसमें जो नट लगा हुआ है इसको हमें खोल लेना है। और ये जो प्लास्टिक कवर है इसको भी निकाल दिया जाएगा। ये जो हमारी शाफ्ट है इसमें ये कार्टर पिन निकली लगी हुई है इसको भी हमें बाहर निकाल लेना है। इस प्रकार से जो है इस पिन को निकाल दिया जाएगा। इस भाग पे हमारी जो है ये जो स्प्रोकेट है इस स्प्रोकेट को इस भाग पे लगाया जाएगा। ये जो पॉइंट बने हुए हैं इस पॉइंट पे हमें जो है रिपर की जो पीछे अटैचमेंट लगती है उसको यहाँ पे हम फिक्स करेंगे। पैकेट उसको खोलती है और हमें ये जो कवर है इसको खोल के हम हटा देंगे सारे को। इस ब्रैकेट को अब हम इसमें गियर के नीचे जो पार्ट है गियर बॉक्स के इन तीन होल से मैच करके इसमें बोल्ट फिक्स करेंगे।
अब हम रिपर की ब्रैकेट जो लगाई थी हमने, इसमें जो है रिपर को जोड़ना है। इसके जो होल हैं, होल से होल मैच करा देने एक दूसरे के। होल मैच होने के बाद इसमें हम बोल्ट डालेंगे। बोल्ट डालने के बाद हम इसमें वार्सल डाल के नट लगा। रिपर की ये जो एडजस्टमेंट है, इसको लगाने के लिए हमें जो है एक पॉइंट हमारे इसका एक जो सिरा है आपका जो रिपर की फ्रंट जो अटैचमेंट थी इसमें रहेगा, और इस बोल्ट को डालने के बाद इसमें आपकी ये जो एडजस्टमेंट है इसको डाला जाएगा। इसमें जो है वार्सल लगा के नट लगा देंगे। इस नट का इसका एडजस्ट करने हैं हम, इस वाले नट को खोलेंगे इसको लगाने के लिए। इसी प्रकार से हमें दूसरी साइड की जो एडजस्टमेंट लगानी है, तो उसके लिए इस बोल्ट को खोल लेना सबसे पहले हमें। इनके सभी नटों को एक बार आपको है पूरा कस लेना है। ये जो स्प्रोकेट है इसमें कट बना हुआ है, यहाँ जो आप देख रहे हैं इस शाफ्ट में भी एक कट बना हुआ है, दोनों को एक सीध में रख के इसको लगा देना है। वाटर पिन है इसको लगा देना है, इसमें हमको इसमें लगा देना है, नट को लगा बोल्ट को लगा के इसको कस देना है ताकि जो आपकी जो स्प्रोकेट है बाहर आने के लिए। अब हम इसकी जो है चेन लगाएंगे। चेन को लगाने के लिए चेन को सबसे पहले खोलना है, तो उसके लिए जो लॉक है आपको इस लॉक को बाहर निकाल लेना है। से डाल करके ये जो लॉक है हमें लगा देना लॉक। चेन लगा देने के बाद जो हमारा लास्ट पार्ट है रिपर का, ये जो है लीवर जो कि हमारे कटर बार को चलाते हैं, इस लीवर को जो है इसको पूरी इसके अटैचमेंट को हमें जो है हैंडल पे लगाने हैं। हैंडल पे लगाने के लिए जो हमारे ये इसमें क्लैंप दिया है, इसको खोल के नट बोल्ट की सहायता से इसको खोल लेना है और हैंडल में फिट करना है। सिंगे हमने बताया कि आज हमने जो है अपने रिपर में जो रिको जो है वीडर में असेंबल करके फिक्स कर दिया, इसमें लगा दिया गया है इस प्रकार से। अगर इसको लगाने के बाद हम इसको स्टार्ट करके चला के दिखाते हैं। सबसे पहले हमें क्या है, इंजन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे जो है ये इमरजेंसी लीवर है इसको दबा लेना है, और ये जो चौक है लीवर इसको बाहर खींचेंगे। इस लीवर को बाहर खींच लेना है और रिकॉइल को खींच के स्टार्ट करना है। अब हमारा जो रिपर है, अब हम क्लच दबा के
क्लच दबाने से जो आपकी ये जो है रिपर की ड्राइव रुक जाएगी, अगर हम क्लच छोड़ते हैं तो चलेगी। इस प्रकार से हमें क्लच दबाए रखना है। अगर हमें जो रिपर चलाना है कटर बार, तो उसके लिए हमें इसको छोड़ना होगा।